प्राइस ये है हमारी मारुति सुजुकी ब्रेजा ZXi मिडनाइट ब्लैक कलर। आज हम इसमें इंस्टॉल करेंगे फ्रंट आर्मरेस्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्रेजा ZXi में प्री इंस्टॉल्ड आर्मरेस्ट नहीं आती है, तो हमने ये प्रोडक्ट मारुति सुजुकी जेन्युइन स्पेयर पार्ट से ही ख़रीदा है। जेन्युइन एक्सेसरी में हमें इसकी कॉस्ट तकरीबन 2800 रुपया पड़ी। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी स्पेस मिलता है जिसमें हम अपना मोबाइल या पर्स आदि रख सकते हैं। साथ ही हमें इस पार्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है फ्लोर कंसोल बॉक्स कवर। इसकी कीमत मात्र 165 रुपीज़ है। ये भी जेन्युइन एक्सेसरी पार्ट है OEM का। अभी हम अपनी आर्मरेस्ट को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करेंगे। इंटरनली हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देता है। पहले हम अपने इस सिल्वर कलर के पार्ट को रिमूव करेंगे। इसको हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से खोलेंगे। हमें अपने स्क्रू ड्राइवर को इस एंड पर रख के धीरे से पुश करना है ताकि वहाँ डैमेज ना हो। स्लोली स्लोली हम इसके क्लिप्स को ओपन करेंगे। क्लिप्स को थोड़ा ध्यान से ओपन करना ताकि अगर ये पार्ट टूट गया तो फिर हमें नया ही डालना पड़ेगा। देखिए हमारा पार्ट खुलकर बाहर आ चुका है। इसके क्लिप्स बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए हैं, ये दोबारा यूज़ किया जा सकता है। गियर का ये पार्ट अभी हम रिमूव करेंगे। ये वाला हिस्सा भी क्लिप्स की मदद से ही लॉक है, इसमें कोई स्क्रू नहीं है। जस्ट इसको हम पुल करेंगे और खींच के इसको बाहर निकाल लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अभी हम हैंड ब्रेक का ये वाला हिस्सा खोलेंगे। इसमें भी कोई स्क्रू नहीं लगा है, इसको भी जस्ट हम पुल करके आराम से बाहर ले सकते हैं। पुल करेंगे, ध्यान से करना ताकि इसके लॉक्स को नुकसान ना पहुंचे। जस्ट इसको हम ऐसे पुल करेंगे और बाहर निकल जाएगा। इसको हम साइड में रख देंगे ऐसे। अभी हमें ये चारों स्क्रूज खोलने हैं। ध्यान से खोलना, जब भी हम इसको स्क्रू ड्राइवर से खोलेंगे तो इस बात का ध्यान रखना कि ये स्क्रूज हमारे गियर बॉक्स की असेंबली में ना गिरें। तो इनको हम आराम से खोलकर सेफली अपनी सीट पर रख देंगे। स्क्रूज खोलने के बाद अभी हम इस कंसोल के रियर साइड में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कवर है जिसके अंदर स्क्रू है। स्क्रू से इस कंसोल को लॉक किया गया है बॉडी के साथ। लेफ्ट साइड में भी सेम स्क्रू है। स्क्रू ड्राइवर से हम इस कवर को रिमूव करेंगे। स्क्रू को हमें खोलना है। वैसे ही हमें लेफ्ट साइड का वाला स्क्रू भी खोल लेना है। अब देख सकते हैं ये बॉक्स अभी खुल चुका है। इसके जितने भी स्क्रूज थे हमने रिमूव कर दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें अभी AC रियर वेंट से जो चार्जिंग स्पॉट है उसकी केबल को हमें अलग करना है। देख सकते हैं ये जो पावर केबल है इसको हम अभी अलग कर देंगे। अलग करने के बाद हमें इस पार्ट को रिमूव करके बाहर ले लेंगे। इस पार्ट में से अभी हमें AC वेंट को अलग कर देना है। ये भी स्क्रूज के साथ टाइट है। कुछ इस तरह से हम अपने इस बॉक्स को बाहर ले लेंगे। बाहर लेके हम इसको थोड़ा साइड पर रख देते हैं। अभी हमने इसमें से सब कुछ निकाल दिया है, जितने भी पार्ट्स की ज़रूरत थी रिमूव करने की आर्मरेस्ट को इंस्टॉल करने के लिए, वो सब अभी रिमूव हो चुके हैं। ये हमारा OEM का जेन्युइन आर्मरेस्ट जिसको भी हम इंस्टॉल करेंगे। गाइस अभी हमें इस कंसोल में से अपना जो AC वेंट है जिसे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इंस्टॉल करेंगे उसको रिमूव कर लेंगे हम।
हमें चारों स्क्रूज इसके रिमूव करने हैं विद स्क्रू ड्राइवर। बेंट को आप थोड़ा सा सेफली निकालें ताकि इसके किसी भी पार्ट को कोई डैमेज ना पहुंचे। अभी हम इस पार्ट को अपने नए पार्ट में इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा जो एसी कंसोल है, इसमें हमें अपने एसी बेंट को वापस स्क्रूज के साथ इंस्टॉल करना है। इसमें दो लॉक्स होते हैं, जब भी आप इसको फिट करें तो देख के कि वो लॉक्स अपनी जगह प्रॉपर बैठ जाएं। अभी हमारा एसी बेंट अपनी पोजीशन पर बैठ चुका है। कि हमें इसके चारों स्क्रूज को अच्छे से टाइट कर देंगे। हमारी आर्मरेस्ट अभी इंस्टॉलेशन के लिए तैयार है। आर्मरेस्ट को हम पोजीशन पर रखेंगे। अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा केयरफुली करें ताकि जिससे किसी भी लॉक को कोई डैमेज ना पहुंचे। हमें अपनी आर्मरेस्ट को अपनी पोजीशन पर रख देना है। अभी हमें ये चारों स्क्रूज को वापस से लगाना है। पीछे वाले दोनों स्क्रूज को भी हम अच्छे से टाइट कर देंगे। स्क्रूज को केयरफुली टाइट करें ताकि कोई भी स्क्रू गियर असेंबली में ना गिरे। रियर कंसोल में भी अभी हम अपने दोनों स्क्रूज को अच्छे से टाइट करेंगे। रियर असेंबली के स्क्रूज को भी टाइट कर दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं इसमें जो इसके कवर्स हमने रिमूव किए थे, उन कवर्स को भी हमने वापस लगा दिया है। चार्जिंग पॉइंट अभी खाली छोड़ा है क्योंकि अभी हमारे पास चार्जिंग पॉइंट है नहीं। जब अवेलेबल होगा तो हम इसको फिर से इंस्टॉल करेंगे। आर्मरेस्ट को हम आगे पीछे अपनी ज़रूरत अनुसार स्लाइड करके रख सकते हैं जिसमें हमें ड्राइविंग कंफर्ट महसूस हो। चलिए अभी हम अपने फ्रंट सीट पर चलते हैं। जो हमने पार्ट्स फ्रंट साइड से रिमूव किए थे हमें वापस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। दोस्तों, ये हमारी ब्रेज़ा आज अपने आर्मरेस्ट के साथ लगभग तैयार हो ही गई। हेलो गाइस, हमारी आर्मरेस्ट देखिए अभी अपनी पोजीशन पर लॉक हो चुकी है। तो हमने जितने भी पार्ट्स रिमूव किए थे, सिल्वर पार्ट, हैंड ब्रेक वाला पार्ट और हमारा जो गियर असेंबली का पार्ट है, इन सबको हम वापस फिक्स करेंगे। फिक्स करते टाइम थोड़ा केयरफुली फिक्स करें ताकि इनके लॉक्स को कोई डैमेज ना पहुंचे। हमें देख लेना है कि सारे लॉक्स अपनी जगह पर प्रॉपरली बैठ गए हैं। अभी हम धीरे से इसको भी नीचे लाकर अपनी पोजीशन पर लॉक कर देंगे। लॉक करते टाइम प्लीज़ केयरफुली लॉक करें ताकि किसी भी तरह का डैमेज ना हो। हमारे ये दोनों पार्ट अपनी पोजीशन पर फिक्स हो गए हैं। अभी हमें जो सिल्वर पार्ट हमने रिमूव किया था उसको हमें केयरफुली इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो क्लिप्स हैं अगर वो डैमेज हुए तो फिर वो नया ही पार्ट इंस्टॉल करना पड़ता है।
तो गाइस हमारी आर्मरेस्ट इंस्टॉल हो चुकी है। अभी हम देखेंगे कि इसका लुक कैसा दिखता है गाड़ी में। इसको हम अपनी ज़रूरत के अनुसार आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। काफ़ी स्पेस मिल जाता है इसमें सामान रखने के लिए, अपना पर्स, मोबाइल फ़ोन या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें अंदर रख सकते हैं। गाइस अभी हम आपको पीछे ले चलूँगा और दिखाऊंगा कि हमारी जो आर्मरेस्ट है वो प्रॉपरली फिट हो चुकी है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी लूज़ कनेक्शन नहीं है, वो अपने स्क्रूज़ के साथ अच्छे से फिक्स हो गई है। तो गाइस ये था हमारा वीडियो इंस्टॉलेशन का। तो गाइस एक बात का ध्यान रखें, आपको आर्मरेस्ट इंस्टॉल करने के लिए ओनली दो ही पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक हमारा जो मेन आर्मरेस्ट है प्लस हमारा बैक फ्लोर कंसोल कवर। ये हमारी ब्रेज़ा ZXi मिडनाइट ब्लैक जिसमें आज आर्मरेस्ट इंस्टॉल हो चुकी है। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से ड्राइवर सीट पर बैठ के कैसा कम्फर्ट हमें फील होगा। तो गाइस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। ये आर्मरेस्ट हमें लॉन्ग ड्राइव्स में काफ़ी हेल्प करेगा, इसको हम स्लाइड करके आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।